हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो आज है किकी का वैक्सीनेशन डे। अब हम उसे रेडी करेंगे फॉर हॉस्पिटल। सो आज का दिन हमने कैसे किया स्पेंड, ये देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो बस किकी को किया हमने फिर रेडी फॉर हॉस्पिटल। ये देखिए ये कितनी नींद में है, बट हमारा अपॉइंटमेंट था 10:30 का और हमें निकलना था 9:30 फ्रॉम द हाउस, तो बस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर किकी को हो गया थोड़ा सा डायपर रैश, तो हम ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मैं आप सभी को भी यही सजेस्ट करूँगी यूज़ करने। और फिर मैंने किकी का डायपर बैग भी किया रेडी फॉर हॉस्पिटल, और फिर इसके बाद हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। ये देखिए हमने किकी को कर दिया फुल्ली पैक्ड, क्योंकि जयपुर में आ गई है अब ठंड। बस इसी तरह फिर हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए, और हम हॉस्पिटल का वीडियो नहीं ले पाते हैं। और फिर हो गया किकी का वैक्सीनेशन डन। ये देखिए किस तरीके से कैमरा को देखती है ये। फिर बाद में हम पहुंचे घर, और घर आकर हमने किया किकी को, थोड़ा सा उसका रिलैक्स फील कराया, कपड़े किए चेंज, क्योंकि आकर उसे घर में हीटर चल रहा होता है तो उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। और फिर मैंने किकी का बेड किया सेट, हमने उसका डायपर खोल दिया, क्योंकि अभी उसके डायपर रैश के कारण हम उसे एटलीस्ट 3 से 4 आवर्स विदाउट डायपर रखते हैं। तो हम ये कॉटन के लंगोट्स होते हैं हम उसे यूज़ कर रहे हैं नाउडेज, और मैंने इसी तरीके से एक्स्ट्रा क्लोथ्स और उसके लंगोट्स को मम्मी के पास ही रख दिया, ताकि हम फटाफट उसमें चेंज करना पड़े तो हमारे आसपास एक्सेसिबल रहे। फिर देखिए किकी के दोनों लेग्स में आपको ये पैचेस दिख रहे होंगे, यहीं पे हुआ है उसका वैक्सीनेशन। सो ये देखिए ये पेनलेस इंजेक्शन का कितना एडवांटेजेस हैं। हम उसे अच्छे से लंगोट बदल रहे हैं, उसे गोद में ले रहे हैं, बट उसे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है। ये देखिए कितनी खुश दिख रही है। इधर देखिए जो भी कर रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड विद नीलू। इसे कभी कभी सडनली बीच में बहुत भूख लगने लगती है और वो किचन में जाके बिस्किट्स मांगता है, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी देना ही पड़ता है। फिर मैंने किया किकी का टेम्परेचर चेक। एक्चुअली वैक्सीनेशन के बाद इन्हें फीवर आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। किकी को सेकेंड डोज में तो नहीं आया था, बट फर्स्ट डोज में उसको फीवर आया था, तो मैंने डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से मैंने एक बार चेक कर लिया, तो देखा अभी तक तो कोई फीवर है नहीं, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैंने किया किकी को फीड। फिर बस हो गई थी शाम। ये जोजो का ये जो बोन है, इसे ये बहुत पसंद है, तो मैं जैसे ही बाहर आई मैंने देखा कि जोजो उस बोन को लेके बहुत इधर उधर भाग रहा था। और फिर जैसे ही मैं उसे बोन दिया, फिर मैंने देखा कि उसने वोमिट कर रखा है। फिर मैंने किया जोजो का वोमिट पूरा क्लीन, और क्लीन करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि शायद जोजो को अब लग चुकी है ठंड, इसीलिए वो इस तरीके से वोमिट कर रहा है। और फिर मैंने किया ऑर्डर ब्लिंकिट से किकी के लिए डायपर और टॉयलेट रोल, क्योंकि मैं डायपर लेना भूल चुकी थी और किकी का डायपर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो फिर ये ब्लिंकिट ही मुझे सेफेस्ट एंड ईजिएस्ट ऑप्शन लगता है फॉर सच ऑर्डर्स। फिर मैंने किया किकी का डायपर चेंजिंग टेबल को पूरा प्रॉपर सेट। मैं इस तरीके से डायपर्स ऊपर रखती हूँ फॉर प्रॉपर फॉर ईजिएस्ट यूज़, और सारा नीचे मैं अंदर से सेट कर देती हूँ। और फिर किकी हो गई रेडी, किकी का हो गया मसाज। एक्चुअली आज भी किकी का हमने हल्का सा ही मसाज किया, ज़्यादा किया नहीं, हमने सोचा आज फर्स्ट डे है वैक्सीनेशन का तो ज़्यादा प्रेशर ना दे। बस किकी रेडी थी टू स्लीप, फिर उसके पापा उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे, और क्योंकि जोजो अब बाहर था और मम्मी को जाना था ऊपर कान्हा जी को दूध पिलाने, तो मुझे मम्मी के साथ ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि जोजो वरना मम्मी को ऊपर जाने नहीं देता है दूध लेकर। फिर ये देखिए मम्मी एवरी नाइट कान्हा जी को इस तरीके से दूध पिलाती है। फिर दूध पिलाने के बाद मम्मी उन्हें सुलाती है। ये कान्हा जी का बेड है विथ मच्छरदानी है, मस्किटो नेट है। फिर उसके बाद मम्मी उनको नाइट ड्रेस में उनका ड्रेस बदल कर उन्हें नाइट ड्रेस पहनाती है, और सिंस अभी ठंड है तो मम्मी ने ये स्वेटर उनके लिए अपने हाथों से बुना है, और यही स्वेटर पहनाकर मम्मी उन्हें सुला देगी।
सो ये मम्मा का एवरी नाइट का रूटीन है और फिर मम्मा सुबह उन्हें उठाने भी आती है। ये कान्हा जी मम्मी कोलकाता से अपने साथ लेकर आई थी। और फिर बस हम आ गए नीचे और हमने देखा कि नीलेश अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कीकी को सुलाने में। ये देखिए ये मुझे देखकर कितना खुश हो जाएगी। फिर बस मैंने कराया कीकी को फीड और उसे सुला दिया। तो फिर जब मैं गई बाहर तो मैंने देखा कि जोजो ने फिर से वोमिट कर रखा है और नीलू ने बताया कि इसने ऑलरेडी 4 से 5 बार वोमिट कर लिया है। तो फिर मुझे लगा कि कहीं इसे इस बोन के कारण ना हो रहा हो, बट ये बोन ये बहुत दिनों से खाता और इसी से खेलता है तो शायद इसे सर्दी लगी हो। तो मैंने ये मेडिसिन जो है ये इसे दिया 5 ml और ये देखिए बेचारा किस तरीके से एकदम उदास हो रखा है, बिल्कुल भी इसमें हिम्मत नहीं थी और बहुत वीक हो चुका था। तो फिर इसके बाद हो गया था सोने का टाइम, नीलेश को उसे गोद में ले जाना पड़ा क्योंकि उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की। फिर इसने किया मुझे गुड बाय किस और ये चला गया ऊपर। तो फिर बस इसके बाद मैं भी आ गई थी सोने, मैंने किकी को किया गुड नाइट किस और मैं भी सो गई। बट देन सडनली आई रियलाइज्ड कि आज बहुत ठंड है और ऊपर हीटर है नहीं और जोजो को लगी हुई है बहुत सर्दी और इधर हमारा रूम गर्म हो चुका था। तो मैं फटाफट उठकर मैंने सोचा मैं ले जाकर ऊपर हीटर लगा दूँ। मैंने ऊपर जाकर देखा, देखिए ये बिल्कुल ओढ़ता नहीं है और इस तरीके से सोता है। तो फिर मैंने फटाफट हीटर ऑन किया और मैंने इसे सुला दिया। सो बस इसके बाद जब मैं रात को 2 बजे उठी टू फीड कीकी तो मैंने देखा कीकी का बॉडी पूरा तप रहा था और उसे था हाई फीवर और उसे बहुत भूख भी लगी थी। तो मैंने सोचा पहले मैं उसका टेम्परेचर चेक करूं, पर मम्मी ने बोला नहीं पहले उसे दूध पिलाओ क्योंकि वो बहुत रो रही है। तो मम्मी ने ही उसे दूध पिलाया और मम्मी ने ही उसे ऑल टाइम इसे गोद में रखा और मैंने किया उसका टेम्परेचर चेक। ये देखिए बेचारे की शक्ल पूरी उतर चुकी थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसे 101 फीवर। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जब भी टेम्परेचर 100 और अबव हो तो आप उसे 1 ml P100 ये ड्रॉप दे देना, टेम्परेचर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने 1 घंटे तक उसे पूरा ऑब्जर्व किया और बस उसके बाद हम भी सो गए। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।